अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। पार्टी शरीफ की दरगाह अब वक्फ बोर्ड को याद आई, मोहम्मद सलीम चेयरमैन यहां का जायजा लिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, पहाड़ी शरीफ की दरगाह की जमीन कुछ लैंड ग्रापरों की जानिब से कब्जा किया जा रहा है। ये वजह थी कि हमने भी इसकी खबर बताई थी और ये जमीन को कब्जा करने वाले कुछ लोग अच्छे रसूखात वाले हैं, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई करने से घबरा रही थी। हालांकि MRO कम्प्लेंट देने के बावजूद पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम इस दरगाह का जायजा लिया और इसके अतराफ जितनी जमीन है तमाम जमीन को देखा और तवक्को दिलाया कि वो लैंड ग्राबर्स जो जमीन को कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखना है कि अमली तौर पर क्या कार्रवाई होती है। मेहमीद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। क्या कह रही है भाई, ये देखिए। पर हमारे वक्फ बोर्ड के स्टाफ और हमारे CEO साहब हम लोग मिल के यहाँ पर लैंड ग्राबिंग हो रही बोल के हमारे को कंप्लेंट्स आए यहाँ पर, तो हम लोग कंप्लेंट देख के जो है उसकी बिना पे हम लोग आए। और उसके अलावा भी हम लोग को यहाँ ज़ियारत भी करना था, दूरागार शुक्राने के अदा करके जो है ना बाबा शरफुद्दीन साहब के पास जो है ना रहमतुल्लाह अलैह के पास जो है ना हाजिरी भी देना था हमको, एक वो भी एक मकसद था बहुत दिन से। तो हम लोग को हाजिरी देने के बाद चादर और दुआ वगैरह करके हम लोग जो है यहाँ से निकल के जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो देखेंगे, उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, क्या कैसा करना है, हम लोग बोर्ड में बैठ के बोर्ड मीटिंग में उसके लिए सीरियस एक्शन लेंगे। और CEO साहब हम लोग मिलकर थोड़ा इंस्पेक्शन करके चले जाएंगे, अभी किसी को कुछ बोलना नहीं है, मगर सीरियस एक्शन लेंगे। जो वक्फ की लैंड है 2400 एकड़ लैंड है यहाँ पर, वो कहाँ कहाँ कौन कौन इंक्रोचमेंट करे हुए उसको देख लेते हुए हम लोग जाएंगे क्या है? और इंशाल्लाह जल्द से जल्द काम चालू होगा, क्योंकि अकबर अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे जो है CM साहब भी जो है ना इमीडिएट उसको एक्शन लिए, एक्शन लेके हम लोग भी जो है ना पेमेंट हमारे पास रेडी है, जब भी बोलेंगे हम इमीडिएट पेमेंट इशू करेंगे, काम जैसा होगा वैसा पेमेंट देते जाएंगे और जल्द से जल्द KCR साहब की गवर्नमेंट में रैम बन जाएगी। सलीम साहब, 65 एकड़ जमीन है, क्या एयरपोर्ट का भी दौरा करेंगे आप? नहीं, एयरपोर्ट का तो वो हमको मालूम है क्या है सो जी, वो लीज लिए हुए बोल रहे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से जो भी है बात करके जो ना लीज वक्फ बोर्ड को है वैसा करेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो जितनी लैंड जो खुली है जी उसके लिए जो ना जो इलीगल जो कब्जे कर रहे हैं उसके लिए हम लोग सीरियस एक्शन लेंगे और CM साहब को भी नुमाइंदगी करेंगे ये चीज़ है यहाँ पर बोल के, क्योंकि वक्फ लैंड पे इलीगल कोई भी कब्जे नहीं कर सकते, क्योंकि वक्फ लैंड अल्लाह की अमानत है, ऑलवेज वक्फ रहती, क़यामत तक वक्फ रहती हो। और बार बार मैं बोल चुका हूँ इंशाल्लाह ताला वक्फ लैंड पे जो है ना जो भी कब्जा करके खुश हो जाना है टेम्पररी, मगर वक्फ लैंड पे कोई कब्जा नहीं कर सकते। सराउंडिंग में जितनी लैंड है वक्फ की है और किसी को पावर नहीं है बेचने के करने के, सिर्फ वक्फ बोर्ड जो है ना लीज पे दे सकता, उससे हटके कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक सियासी अगर ऐसी चीज़ है तो उसके ऊपर भी सीरियस एक्शन लेके जो है 100 बार कंप्लेंट नहीं, उसके ऊपर जो है ना हम लोग FIR बुक कराएंगे कमिश्नर DCP को सबको बोल के, और हम लोग लीगल एक्शन लेके उसको इमीडिएट खाली कराएंगे। सच की तलाश कर रहा हम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।